जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन की शुरुआत करने वाला भोपाल होगा देश का चौथा शहर, जिसमें 5 दिन में पता चलेगा वायरस का नया रूप। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल के 6वें फ्लोर पर जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन लगाई जाएगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह मशीन 2 हफ्ते में लगाई जा सकती है। मध्य प्रदेश में पिछले 8 महीने में 2025 सैंपल भेजे गए, जिसमें 1220 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई और NCDC में 805 सैंपल की रिपोर्ट अभी भी लंबित है। उनमें से 381 सैंपल में कोरोना के 3 अलग अलग वेरिएंट मिले हैं। 381 में डेल्टा इंडियन वेरिएंट, 56 सैंपल में अल्फा यूके वेरिएंट और 7 सैंपल में डेल्टा प्लस इंडियन वेरिएंट मिला है। इसका फायदा यह होगा कि प्रदेश के सभी शहरों से लिए जाने वाले सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग यहाँ पर की जा सकेगी और 5 से 7 दिनों में इसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। यह जानकारी चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग द्वारा दी गई। प्रिया आनंद, इंडिया खबर लाइव।